बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर थर्ड है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। डेटाबेस सिस्टम हमने डेवलप करवाना है, तो कोई भी सिस्टम, हम कोई भी चीज़ जब डेवलप करते हैं तो उससे पहले उसका डिज़ाइन बनता है। लाइक अगर हमने एक घर भी बनाना है तो उससे पहले उसका डिज़ाइन बनता है, उसके बाद जो है वो उसको बिल्ड किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम डेटाबेस सिस्टम जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना चाह रहे हैं तो हमें वो डेवलप करवाना पड़ेगा। जब डेटाबेस सिस्टम डेवलप होता है तो उससे पहले वो डिज़ाइन होता है। वो डिज़ाइन किस तरह से होता है हम इस चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। हमने पिछले चैप्टर्स में कुछ डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था। फर्स्ट चैप्टर में हमने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस किया था। अब डेटाबेस सिस्टम क्यों डेवलप किया जाता है, हम इस पे काफी पॉइंट्स पे बात कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज भी कर देती हूँ इनको। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अपने ऑपरेशंस को रन करना है, उसको उसके लिए डेटा चाहिए होता है। अगर एक बैंक है तो वो अपना काम तभी कर सकते हैं जब उनके पास उनके कस्टमर्स की तमाम डिटेल होगी, कितने कस्टमर्स हैं, कौन कौन से हैं, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी, उनके अकाउंट जो है उनका क्या स्टेटस है, कितने डिपॉजिट करवाए हैं, कितने विड्रॉ करवाए हैं, बाकी लोन किसने लिया है, किस किस कस्टमर ने, मतलब डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स हैं किस हर ऑर्गेनाइजेशन में, उनका डाटा है। उसी डाटा की बेस पे वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज को रन कर सकती है। इसी तरीके से अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उनके पास भी डाटा है, स्टूडेंट्स का डाटा, और फिर जो है वो उनके स्टाफ का डाटा, उसी की बेस पे वो अपना काम करते हैं। लाइक कॉलेज में हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा आता है, जी फर्स्ट ईयर में इतने स्टूडेंट टोटल हैं, मेडिकल में इतने हैं, नॉन मेडिकल में इतने हैं, आईसीएस में इतने हैं, ये मैं स्ट्रेंथ वाइज बात कर रही हूँ, एफए या आर्ट्स के किस किस सब्जेक्ट में कितनी इनरोलमेंट है। अब हमने इस डेटा की बेस पे किस तरह से अपना जो है वो एक्टिविटीज को रन करना है। हमने स्टूडेंट्स को टीचर्स अलॉट करने हैं। लाइक अगर 100 का सेक्शन है, लाइक मेडिकल के अंदर 100 स्टूडेंट है, तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी है कि उनको एक टीचर असाइन हो, जो हमारा सेटअप है। अगर 100 क्रॉस करते हैं तो उनको एक से ज़्यादा टीचर्स चाहिए। इसी तरीके से जितनी जिस क्लास की स्ट्रेंथ है उसको उसके अकॉर्डिंग रूम भी चाहिए। फिर एक पूरे का पूरा टाइम टेबल मेंटेन होता है, वो भी सारा इसी डाटा की बेस पे होता है। उसके साथ साथ जो है वो आपकी बाकी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है स्टूडेंट्स को, वो भी सारी की सारी उस डाटा की बेस पे होती है जो हम कलेक्ट करते हैं फॉर्म्स के थ्रू। अब सिर्फ डाटा को कलेक्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये सारे डिसीजन किस तरह से लेते हैं। डाटा कलेक्ट होता है, स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, उसको इंफॉर्मेशन में तब्दील किया जाता है, फिर इंफॉर्मेशन की बेस पे जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं, एक्टिविटीज को चलाया जाता है। अब डेटा को हमने स्टोर भी करना है, उसको इंफॉर्मेशन में तब्दील भी करना है, तो यहाँ पे कंप्यूटर का क्या रोल है। कंप्यूटर को हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए और उसको इंफॉर्मेशन में तब्दील करने के लिए। जो बेसिक टास्क होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो डेटा को इस तरीके से स्टोर करना है कि उसको हम जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन में तब्दील कर सकें, मतलब जब जिसको जिस डेटा की ज़रूरत हो वो उसको जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। जितनी तेज़ी से वो डाटा मैनेज हो जाएगा उतनी तेज़ी से जो बाकी उसके ऑपरेशंस है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो भी परफॉर्म हो जाएंगे। तो कंप्यूटर के अंदर हमने डाटा को स्टोर करना है, इस तरीके से स्टोर करना है कि हम उसको हर यूज़र को बहुत आसानी के साथ बहुत तेज़ी के साथ पहुंचा सके ताकि वो अपना काम कर सके। फिर जो है हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि हम डाटा को किस तरह से मतलब इंफॉर्मेशन में तब्दील करते, उसकी एक्टिविटीज़ को आपने देखा। फिर डिस्कस किया कि डाटा कंप्यूटर के अंदर किस तरह से स्टोर होता है, हमने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ा के उस फाइल हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर जो है वो डाटा को स्टोर करते हैं।
फिर उस डाटा को जो है वो प्रोसेस किया जाता है, इन्फॉर्मेशन में तब्दील किया जाता है, फिर उस सिस्टम के डीमेरिट्स को डिस्कस किया कि वहां पे हम डाटा स्टोर तो कर लेते हैं लेकिन उस सिस्टम के डीमेरिट्स बहुत हो, हम एफिशिएंटली डाटा को उस तरीके से एक्सेस नहीं कर पा रहे जिस तरीके से होना चाहिए, फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं डाटा के अंदर, इनकंसिस्टेंसी आती है, डुप्लीकेशन हो जाती है, हमारे वसाइल बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं, मतलब जितना हमें उनसे फ़ायदा लेना चाहिए हम वो ले नहीं पा रहे उस सिस्टम के अंदर। फिर हमने उसको ओवरकम किस तरह से किया, डेटाबेस सिस्टम के थ्रू, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना डाटा है कि उसने उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है और उसको वो डाटा बहुत तेज़ी के साथ जो है वो उसकी प्रोसेसिंग चाहिए, उस तक पहुंच चाहिए, तो उसके लिए वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करें, और अगर उनका मतलब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर काम नहीं ठीक चल रहा तो फिर वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करें। अब जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि उसने अपने तमाम सिस्टम्स को रिप्लेस करना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, तो वो क्या करती है, वो डेटाबेस सिस्टम को डेवलप करवाती है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक टाइप है, हमने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पढ़े थे कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप करवाती है। इसी तरीके से जो डेटाबेस सिस्टम है ये भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग डेवलप करवाती है। अब अगर एक कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स का डाटा रखना है तो डेटाबेस सिस्टम उसके अकॉर्डिंग डेवलप होगा, अगर एक बैंक के अंदर कस्टमर्स का डाटा रखना है तो जो उसका सिस्टम है उस तरीके से डेवलप होगा। बेसिकली ये है तो सॉफ्टवेयर, हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है, उसको इंस्टॉल करना है, फिर उसके ऊपर काम करना है। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा बेस सिस्टम डेवलप होता है तो उससे पहले वो डिज़ाइन होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब कोई नई बिल्डिंग बनती है तो वो पहले डिज़ाइन होती है, देखा जाता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे। लाइक हम कॉलेज में कोई नया ब्लॉक कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितने स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, हमने किस क्लास को यहाँ पे जो है वो एडजस्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप होती है और उससे पहले जो है वो उसका डिज़ाइन बनता है। बिल्कुल इसी तरीके से डाटाबेस सिस्टम भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप होता है और फिर जो है पहले उसका डिज़ाइन बनता है। तो ये डिज़ाइन कैसे बनता है, इस चैप्टर में हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एनालिसिस स्टेज व्हाइल डिज़ाइनिंग अ डेटाबेस। जब हमने डेटाबेस को डिज़ाइन करना है तो हमने डाटा उस सारे सिस्टम का एनालिसिस करना है, तजिया करना है कि हम ये सिस्टम क्यों डेवलप करवा रहे हैं, ये किस तरह से होना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब ज़रूरियात क्या है, कौन सी ऐसी वजह है या कौन सी ऐसी ज़रूरत है जिसकी वजह से हमें ये सिस्टम डेवलप करवाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले जो है वो एनालिसिस किया जाता है। अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज नाउन एज एनालिसिस। पहले से मौजूद सिस्टम को स्टडी करना उसको हम एनालिसिस कहते हैं। हम स्टडी क्यों करते हैं, हम देख सकें कि पहले काम किस तरह से हो रहा है और कौन सी ऐसे डीमेरिट्स हैं पहले से मौजूद सिस्टम के अंदर कि हमें नया सिस्टम डेवलप करवाना पड़ रहा है। द बेसिक पर्पज ऑफ एनालिसिस इज टू नो विच एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन द करंट सिस्टम। एनालिसिस का बेसिक मकसद क्या है कि हमें देखना है कि जो किस तरह से एक्टिविटीज हो रही हैं। द एनालिसिस आल्सो डिटरमाइंस व्हाट शुड टेक प्लेस इन द न्यू सिस्टम। एनालिसिस बेसिकली इसलिए होता है कि हम नए सिस्टम को किस तरह से चाह रहे हैं कि हमारा नया सिस्टम किस तरह से काम करे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनालिसिस के हवाले से, उसमें सबसे फर्स्ट है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी इज आल्सो कॉल्ड प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इसको हम इब्तदाई तहक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इसको हम इब्तदाई तहकीक भी कहते हैं। इट इज कंडक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द रिक्वायर्ड डेटाबेस सिस्टम। इसको हम डेटाबेस सिस्टम के लिए जो है वो कंडक्ट करते हैं तहकीक करने के लिए कि हमें किस तरह का डेटाबेस सिस्टम चाहिए। इट डिटरमाइंस वेदर द प्रपोज सिस्टम इज अफोर्डेबल पॉसिबल एंड एक्सेप्टेबल। हमने इसकी बेस पे ये फैसला करना होता है कि जो सिस्टम हम चाह रहे हैं नया सिस्टम क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अफोर्डेबल है, क्योंकि हमने पढ़ा कि हमने जब एक सिस्टम लेके आना है तो हमें हार्डवेयर भी बहुत अच्छा चाहिए।
फिर हमें हमें सारे के सारे जो टेक्निकल पर्सन है उनकी भी जरूरत पड़ेगी, हमें उनको पे भी करना पड़ेगा, फिर हमें अपने यूजर्स को ट्रेनिंग भी करवानी पड़ेगी, जो हमने सिस्टम डेवलप करवाना है, जो सॉफ्टवेयर परचेज करने, उसके लिए भी हमें अच्छा खासा पे करना पड़ेगा। तो क्या हम इस सिस्टम को अफोर्ड कर सकते हैं? इतना जो है वो अमाउंट है हमारे पास कि हम ये सिस्टम डेवलप करवा सकें? फिर पॉसिबल, क्या जो हम चाह रहे हैं वो मुमकिन है, हो सकता है एंड एक्सेप्टेबल? और अगर हम जो है वो सारा सेटअप डेवलप करवा लेते हैं, तो क्या जो है हमारे जो यूजर्स हैं उस सिस्टम को एक्सेप्ट करवा लेंगे या नहीं? इट आल्सो डिटरमाइंस द एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट दैट शुड बी स्टार्टेड फर्स्ट। फिर हमने फैसला करना होता है कि हमने इस प्रोजेक्ट के किस एरिया को जो है वो पहले शुरू करना है, कहाँ से अपना काम शुरू करना है। अ स्पेसिफिक फंड इज एलोकेटेड आफ्टर द प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड। जब हम एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने इस पर काम करना है, तो हम एक अमाउंट जो है उसके लिए फिक्स कर देते हैं कि ये सिर्फ इसी पे खर्च होगी। अब प्लानिंग इज डन फॉर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए, उस पर काम करने के लिए जो है वो एक प्लानिंग की जाती है। अ प्रॉपर मार्केट एनालिसिस इज आल्सो कंडक्टेड अलॉन्ग विद ऑल दीज एक्टिविटीज। इन तमाम एक्टिविटीज के साथ जिसमें हम देखते हैं कि हम जो सिस्टम चाह रहे हैं वो हमारे लिए अफोर्डेबल है, पॉसिबल है, एक्सेप्टेबल है, उसके साथ साथ जो है वो हम फैसला करते हैं कि हमने अपना काम कहाँ से शुरू करना है, फिर हम फंड एलोकेट करते हैं उसके लिए, फिर हम उस पर काम शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने मार्केट ट्रेंड भी देखने होते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट से मतलब है कि अगर हमारा एजुकेशनल सिस्टम है तो बाकी जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने काम को किस तरह से चला रही है, क्या उनके पास प्रॉपरली डेटाबेस सिस्टम है, क्या वो मतलब पॉसिबल है जिसपे हम काम कर रहे हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस, हमें क्या चाहिए, इस चीज का तजिया किया जाता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज कंडक्टेड टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया जाता है। दीज रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड द पॉसिबल इनपुट्स फॉर डेटाबेस एंड द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें क्या किया जाता है कि इनपुट देखा जाता है कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ से जो है वो आना है, उसका सोर्स क्या होगा, फिर हम किस तरह की फंक्शनैलिटी चाह रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है उस डेटा पे किस तरह से प्रोसेस करे, मतलब उसको किस तरह से स्टोर करें, उसको किस तरह से इंफॉर्मेशन में चेंज करें। द यूजर्स डिस्क्राइब देयर रिक्वायरमेंट्स। जिन यूजर्स ने उस सिस्टम को इस्तेमाल करना होता, मतलब जिनको वो डाटा चाहिए होता है स्टोर करने की फॉर्म में या फिर प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, वो सारे के सारे अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं। एंड एक्सपेक्टेशंस और तवक्कुआत फ्रॉम द प्रपोज सिस्टम। प्रपोज सिस्टम मतलब जिस सिस्टम पे अभी हमने काम शुरू किया है, जिसको हमने डेवलप करवाना है, उसके मतलब बताते हैं कि हमें वो सिस्टम किस तरह से चाहिए, हमारी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, काम किस तरह से होना चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग। अ कंप्रिहेंसिव प्लानिंग एंड स्केड्यूल मस्ट बी डेवलप टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। कामयाबी के साथ प्रोजेक्ट को चलाने के लिए उसकी मनसूबाबंदी की जाती है, एक पूरा स्केड्यूल बनाया जाता है कि ये काम किस तरह से होना है। ऑल कॉस्ट फैक्टर्स आर आल्सो टेकन इनटू कंसीडरेशन। जितने भी कॉस्ट फैक्टर हैं, जहाँ जहाँ भी अमाउंट हमें खर्च करनी पड़ेगी उनको देखा जाता है। डिफरेंट कॉस्ट फैक्टर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट, हमने हार्डवेयर परचेज करना है, हमने सॉफ्टवेयर के लिए पे करना है। सैलरीज ऑफ टीम मेंबर्स, जिन टीम मेंबर्स ने उसको डेवलप करना उस सिस्टम को, उनकी सैलरीज क्या है, जितने मतलब हम टेक्निकल यूजर्स हायर करते, चाहे वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। उसके बाद डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस एन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एनालिसिस वाइल डिजाइनिंग अ डेटाबेस। डेटाबेस को डिजाइन करते हुए जो है वो डेटा का एनालिसिस एक अहम प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स अ फॉलोइंग एक्टिविटीज। डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा को एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है कि किस टाइप का डाटा है, वो किस तरह से इनपुट होगा, वो किस तरह से स्टोर होगा, वो किस तरह से जो है इंफॉर्मेशन में चेंज होगा। तो इसको इस एनालिसिस के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड सेम है तकरीबन। उसमें एक डाटा फ्लो डायग्राम है, फिर डिसीजन टेबल्स हैं, और उसके बाद जो है वो डिसीजन ट्रीज हैं। तो काफ़ी सारे हैं सेटअप जो डाटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन ये बेसिकली तीन हैं, और इस तीन में हम जस्ट डाटा फ्लो डायग्राम को डिस्कस करेंगे।
तो ये आपका आज का लेसन, आप इसको देखिएगा, जो भी इश्यू हुआ वो डिस्कस कर लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।